मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुंडागर्दी चरम पर है। यहाँ एसडीएम कार्यालय में बैठे एसडीएम अनिल सपकाले पर जानलेवा हमला हो गया। इस हमले में एसडीएम सपकाले और कार्यालय के कर्मचारी बाल बाल बच गए। हमलावरों ने इस दौरान उनकी गाड़ी और चेंबर को तोड़फोड़ कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए थे। एसडीएम अनिल सपकाले, आज लगभग सुबह 9 बजे यह हमला हुआ। पूरी घटना को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर है क्या पूरा मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के एसडीएम अनिल सपकाले, जो कि हमेशा विवादों में रहे हैं और विवादों के चलते उनका ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद वह हाईकोर्ट से स्टे लेकर छतरपुर के एसडीएम बन बैठे हुए हैं। आज सुबह उनके ऑफिस में 4 से 5 अज्ञात नकाबपोशों ने हमला करते हुए उनकी गाड़ी और चेंबर में तोड़फोड़ करते हुए हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर एसडीएम अनिल सपकाले के मुताबिक, वह अपने ऑफिस में 8:50 पर काम करने के लिए आए, तब यह घटना घटी। हमलावर बाहर क्या कहकर जा रहे थे यह उन्होंने सुना नहीं। इतना ही नहीं, एसडीएम के साथ हमेशा रहने वाले गार्ड ने भी किसी प्रकार से रक्षात्मक विरोध भी नहीं किया। हर बार बस एंटी माफिया कार्यवाही को विरोध में यह घटना घटी बता रहे हैं, मगर अधिकारियों के बयानों में विरोध अभास से यह पूरी सोची समझी साजिश भी नजर आ रही है। छतरपुर के एसडीएम के मुताबिक यह घटना सुबह लगभग 9:30 बजे घटी है। वहीं सीएसपी के मुताबिक यह घटना सुबह 9 से 9:10 के बीच घटी। वहीं उनका कहना है कि ईश्वर 8:50 पर एसडीएम काम करने के लिए ऑफिस आ गए थे। सवाल यह उठता है कि जब एसडीएम के ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं था, तो एसडीएम अपने चैम्बर में काम कैसे कर रहे थे। वहीं लोगों के बयान भी विरोध अभास लगा रहे हैं। एक महिला के मुताबिक 5 लोग आए और गोली चलाकर पैदल चले गए। जावेद अख्तर के मुताबिक भी लोग पैदल आए और चले गए। वहीं सीएसपी द्वारा कहा गया कि सुबह 8:50 पर एसडीएम कार्यालय में काम कर रहे थे, इसी बीच में हमलावर आए और हमला कर फरार हो गए। एसडीएम कार्यालय में अंदर बने मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी के मुताबिक उन्होंने कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने 3-4 लोगों को जाते हुए भी देखा है। वहीं एक मजदूर भी व्यक्ति का नाम लेकर कह रहा है कि उसके भेजे हुए लोग हैं, उससे दुश्मनी लेना एसडीएम साहब को महंगा पड़ेगा। इस संपूर्ण घटनाक्रम व बयानों के आधार पर देखा जाए तो संपूर्ण घटना यह एक साजिश नजर आ रही है, क्योंकि एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने एसपी का बंगला भी है। उस बंगले पर हमेशा 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर आरोपी पैदल कैसे चले गए, और यहां तक कि एसपी के गार्ड ने आवाज भी नहीं सुनी। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या आता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हमेशा विवादों में रहने वाले अनिल सपकाले की कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं थी, क्योंकि अचानक जल्दी काम पर आना भी यह संदेश को जन्म दे रहा है। वहीं जिस प्रकार से मजदूरों द्वारा भी कहा जा रहा है कि, तो सवाल ये उठता है कि मजदूर सुबह 8 बजे से काम पर इतनी जल्दी आज कैसे आ गए। देखिए समाचार एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अमर वर्मा की एक खास रिपोर्ट। जी सर, ये किस तरह की घटना हुई है, कहाँ पर हुई है? आज सुबह 9:30 बजे करीब जानकारी मिली है तहसील कार्यालय छतरपुर परिसर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तहसील कार्यालय के पीछे से तरफ से 5 लोग यहाँ पे हाथ में वगैरह लेकर के आए और परिसर में खड़ी एसडीएम छतरपुर के वाहन के गाड़ी में कांच वगैरह की तोड़फोड़ की गई। और ये भी जानकारी मिली कि एक कोई फायर भी किया गया है, और इसके बाद में उन लोगों के द्वारा एसडीएम जो सुबह 9:30 बजे करीब अपने कार्यालय में काम कर रहे थे अपने अमले के साथ में, तो वहाँ भी जा कर के इन लोगों के द्वारा जो उनका चेंबर है उसके गेट की कांच वगैरह फोड़े गए, और उसके बाद में वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और अपनी तफ्तीश कर रही है। जो भी घटना हुई है उसके बारे में एफ आई आर दर्ज होगी, और जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ में बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या भूभाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है भूमाफिया के द्वारा ही या उनके लोगों के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी अंडी, क्या नाम है आपका? कहाँ की हो? आज क्या हुआ? ये तो 5 जने आए थे सवेरे से, ठीक है ना सर? पहले तो उन्होंने गोली चलाई, फिर चाठी लठ चला गाड़ी पे। यहाँ क्या करने आए थे आप? हम तो काम कर रहे हैं अंदर चुनाई का। अच्छा, मुंह बांधे थे क्या? मुंह बांधे थे या मुंह खोले हुए थे? खोले नहीं थे, बांधे थे। कौन लोग हैं वो, आप पहचानती हैं उनको? नहीं पहचाने।
कितने बार गोली चलाई? कैसे आए थे वे लोग? कैसे आए थे? गाँव से आए हैं अभी, भागी है पैदल, पैदल भागी है। साहब ने सूचना दिया था कि वो ऑफिस में काम कर रहे थे, वो करीब 8:50 पे आना बता रहे हैं। 9 बजे के से लेकर 9:10 के करीब कुछ लोगों ने, अभी तक नाम या कोई संख्या ज्ञात नहीं है, उन्होंने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, चैम्बर को कांच फोड़ा है और इनका कहना है कि फायर हुए हैं। इसके संबंध में FSL टीम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, SP साहब, एडिशनल साहब, सभी लोग आए हैं और इसका जांच की जा रही है और FIR लिख के जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या भूमाफियाओं ने हमला करवाया है या क्या है? ये अभी ऐसा कोई वो नहीं है, जब विवेचना में इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ घटना हुई तब आप थे? जी मैं। क्या देखा आपने? मैं देखा कुछ लोग हाथ में हथियार लेके आए, यहाँ फायरिंग चालू कर दी और गाड़ी भी तोड़ फोड़ी, अंदर कार्यालय में घुसते हुए देखा हमने, और फिर छतर पटेल साहब पटवारी हैं, इनके पीछे भागे वो लोग, गाड़ी के साथ भी उन्होंने तोड़ फोड़ की, फायर भी की यहाँ पे। कौन सा हथियार लेते वे लोग? देखा है हथियार नहीं देख पाया, हथियार फायर आवाज़ सुनाई दी, गोली चलने की आवाज़। यहाँ क्या करते हैं? नहीं हम तो जा रहे थे, पूजा कर रहे थे। क्या घटना हुई? कितने लोग थे लगभग? 3-4 लोग थे। किस तरफ निकले? हुआ क्या, क्या किया उन्होंने? शोर बोल तो सुना होगा आपने, तो हमें जो है दौड़ते हुए देखे। आप कहाँ पे? आप यहाँ फोन पे बात कर रहे थे, वो लोग जो लोग भी आए हों देख नहीं पाया, वो सीधे अंदर गए, पहले अंदर जाके जल्दी किया हो, इसके बाद जैसे बाहर आए तो उन्होंने हमें खड़ा देखा तो वो हमें डराने लगे, तो हम उसके मतलब हम भागे, इसके बाद उन्होंने जो किया हो मैंने नहीं देखा। कितने लोग थे लगभग? ये भी नहीं देखा, मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तो देख नहीं पाया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।